गाइज, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप मैट्रिमोनियल ऐप्स या वेबसाइट्स जो हैं उनके पास जाकर अपनी शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ रियल इन्फॉर्मेशन पर बनाता हूँ, कोई क्लिकबेट या फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य जो यही होता है कि आपका काम हो जाए, आप परेशान ना हो। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे अनगिनत ऐप्स आ जाएंगे, या गूगल पर आप सर्च करेंगे मैट्रिमोनियल साइट्स तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाएं, कहाँ नहीं बनाएं, और फाइनली आप जो है एक दो तीन वेबसाइट्स पे चले भी जाते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। उनका जो चार्ज वगैरह होता है 2,000, 4,000, 5,000 वो वहाँ पर आप पेड करते हो, उसका ड्यूरेशन पार हो जाता है, 3 महीना 6 महीना हो जाता है, लेकिन आपको आपका लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। तो आप बहुत शॉकिंग होते हो कि अरे यार ये क्या, मैंने तो सोचा था कि मैं शादी.com पे आऊँगा, मैं जीवनसाथी.com पे आऊँगा, मैं फ्री साथी पे आऊँगा, मैं simplymarry.com पे आऊँगा, मेरी शादी हो जाएगी। मैंने पैसे भी लगाए लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई मैच नहीं मिला। वैसे तो इंडिया में मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन अगर टॉप 10 की बात करें या फाइनली जो पॉपुलर है उनकी बात करें तो शादी.com है और जीवनसाथी.com है। और पॉपुलर क्यों है? पॉपुलर इसलिए क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट बहुत करती है, बहुत ज़्यादा एड्स करती है, जिसकी वजह से आप भी उसको जानते होंगे। तो हमको लगता है कि शादी.com और जीवनसाथी.com काफ़ी पॉपुलर है, हमको हर जगह देखता है, तो हम वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और जो भी 4,000 5,000 होता है हम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको हमारा लाइक पार्टनर नहीं मिलता है। हमको कोई प्रोफाइल वहाँ से सेट, हमको हमारी प्रोफाइल को कोई लाइक ही नहीं करता है। हम जिस प्रोफाइल को लाइक करते हैं वो हमें डिक्लाइन कर देता है। होता है ना आपके साथ ऐसा? बिल्कुल सही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप एक बात अपने अंदर बिठा लो कि जो शादी.com पे या जीवनसाथी.com पे जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं इस समय इंडिया में, तो सक्सेस स्टोरीज आप देखते हो ना, बहुत से सक्सेस स्टोरीज भी वहाँ पे आपको मिलते हैं कि इन लोगों की शादी यहीं पर हुई, शादी.com से हम मिले एंड हम हैप्पीली मैरिड हैं। तो दोस्तों, अगर शादी.com पे 1 करोड़ लोग जाते हैं तो उसमें से शायद किसी एक की शादी होती है। जो सक्सेस स्टोरी है वहाँ पर आप देखिए कितने लोग हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत कम ही लोग होते हैं। दोस्तों, नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं ये भी, छोटे मोटे का तो आप नाम ही मत लेना, वहाँ पे कभी अपनी प्रोफाइल मत बनाना, अदरवाइज आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका डेटा वहाँ पे चला जाएगा, इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, तो उसको तो आप बिल्कुल साइड कर दो। छोटे मोटे साइट्स के बारे में तो आप कभी सपने में भी मत सोचो, जो गूगल के प्ले स्टोर पे बहुत सारे हैं। आप केवल जो बड़े जो हो चुके हैं लाइक शादी.com और जीवनसाथी.com की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में भी अगर आप सोचते हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी आपको फेक प्रोफाइल ही मिलते हैं। जैसे ही आप अपना कोई प्रोफाइल अपना बनाते हो जीवनसाथी.com पे या शादी.com पे, तो शादी.com के जो एम्प्लॉई हैं, लड़कियां भी हैं, बहुत सारी एम्प्लॉई हैं शादी.com में, उनका खुद का भी प्रोफाइल है, केवल इसलिए कि सामने वाला जो यूज़र है जिसने नया नया अपना प्रोफाइल बनाया है उसको कंफ्यूज करने के लिए आपके पास जो है इन्विटेशन आ जाएगा। तो आप जो है अपग्रेड कराने के लिए सोचने लगे, आपके पास ऐसे 4, 6, 10 इन्विटेशन लड़कियों के आ जाएंगे, आपको लगेगा कि यार मेरे को तो बहुत लड़कियां पसंद कर रही हैं, मेरे लग रहा है शादी हो जाएगी। आप अपग्रेड कराने के बारे में सोचने लगते हो और फाइनली आप अपग्रेड करा ही लेते हो, लेकिन जैसे ही आप अपग्रेड कराते हो पता चलता है कि जिन सारे लोगों ने आपको जो इन्विटेशन सेंड किया था उन सारे लोगों ने आपको डिक्लाइन कर दिया एक एक करके। ये पॉलिसी है शादी.com की, जीवनसाथी.com की। वो रियल प्रोफाइल नहीं था, वो इनके एम्प्लॉई थे, वो लड़कियां जो हैं वो एम्प्लॉई, वो लड़कियां ही हैं, लड़के नहीं हैं, लेकिन एम्प्लॉई हैं शादी.com के या ऐसी कंपनीज जो हैं उनके, और वो आपको बस ऐसे ही केवल आप अपग्रेड करा लो, बस इसलिए आपको भेजते हैं। तो आपके पास फाइनली ऐसा कुछ होता नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेस्ट मैट्रिमोनियल साइट्स के बारे में अगर आप चाहते हैं तो बेस के नाम पर केवल जो एड्स के दम पर टॉप पे हैं वो शादी.com और जीवनसाथी.com है, आपको भी पता है, लेकिन शादी आपकी यहाँ पर भी नहीं होगी, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। तो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप YouTube पे, Google पे बेस मैट्रिमोनियल साइट्स को सर्च करने की जगह पर यथार्थ में उतरकर, जमीन में उतरकर, अपने रिलेशंस में, अपने पहचान में, अपने शहर में, अपने गांव में, वहाँ पर अगर आप ऑफलाइन जो काम है, ऑफलाइन जो आप ढूंढोगे तो शायद आपकी शादी हो जाए। लेकिन आप शादी.com के भरोसे, जीवनसाथी.com के भरोसे या फिर भारत मैट्रिमोनी जैसे जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उनके हिसाब से अगर आप शादी करना चाहेंगे तो आपकी शादी नहीं होगी। आपके पैसे जाएंगे, ड्यूरेशन चला जाएगा, लेकिन आपकी शादी नहीं होगी। तो बेस्ट मैट्रिमोनियल साइट्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो बेस्ट मैट्रिमोनियल साइट्स कोई भी नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेस्ट मैट्रिमोनियल, जब कोई हो तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे फ्रॉड हैं, जो बड़े हो गए हैं वो भी, और जो छोटे मोटे हैं वो तो टोटल फ्रॉड हैं। तो बस आपको यही कहूंगा कि आप इन सारे चक्कर को छोड़िए, बेस्ट मैट्रिमोनियल साइट्स को सर्च करना छोड़िए, जमीन पर यथार्थ में जो मैंने आपको बताया वो काम करिए, तब शायद आपकी शादी हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मैं आप उनसे फिर मिलूंगा ऐसे ही बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।